पुण्यामध्ये सर्वात मोठ्या दिवाळीपूर्व एनजीओ महासोहळा म्हणजे 10व्या येलो रिबिन एनजीओ या मेळाव्याचं उद्घाटन नवाज मोदी सिंघानिया आणि ईशान्य फाउंडेशनच्या संस्थापक विश्वस्त पारुल मेहता यांच्या हस्ते पुण्यातील ईशान्य मॉलमध्ये संपन्न झालंय. प्रकाशाचा आणि भरभराटीचा सण अगदी तोंडावर आलेला असताना पुण्यामधील सर्वात मोठ्या दिवाळीपूर्व एनजीओ महासोहळ्याचं अर्थात 10व्या येलो रिबिन एनजीओ मेळाव्याचं उद्घाटन पुण्यामधील ईशान्य मॉलमध्ये संपन्न झालंय. दिवाळीच्या खरेदीला सामाजिकतेची जोड देण्याची संधी या निमित्तानं पुणेकरांना उपलब्ध झाली आहे. भारतामधील फिटनेस आणि लाईफस्टाईल क्षेत्रामधील नावाजलेल्या नवाज मोदी सिंघानिया आणि ईशान्य फाउंडेशनच्या संस्थापक विश्वस्त पारुल मेहता यांनी या सोहळ्याचं उद्घाटन केलंय. तर 100 अधिक स्वयंसेवी संस्था या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाल्यात. कारागिरांना आपल्या शैलीच्या वैशिष्ट्यांची ओळख पटावी, आपल्या हस्तकलेबद्दल त्यांना अभिमान वाटावा यासाठी त्यांना अधिक मोठा मंच उपलब्ध करून देणं आणि हे करताना त्यांना आत्मनिर्भर आणि स्वयंपूर्ण बनवावं या उद्दिष्टानं मेळाव्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. मेळाव्याच्या आयोजनाच्या यंदाच्या 10व्या वर्षीही याच लक्ष्याच्या दिशेनं आणखी पुढं जाण्याचा प्रयत्न केला जातोय. 100 अधिक स्वयंसेवी संस्था आणि देशभरामधील कारागिरांकडनं थेट बनवून घेतलेली वस्त्र, कलात्मक वस्तू अशा भारतीय हस्तकलेच्या समृद्ध ठेव्यांपैकी निवडक प्रकार प्रदर्शनामध्ये मांडले जाणार आहेत. उनका काम देखे बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं. बहुत स्किल है उनमें और काफी शॉपिंग की हमने. अभी भी जाने वाले और शॉपिंग करने के लिए. तो यस, कंटिन्यू द गुड वर्क. मैम, ऐसे एन जी ओज को यानी इसी प्रदर्शन के टाइम पर ही उनकी ज़्यादातर खरीदी है तो उन्हें ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया जाता है. बाकी नॉर्मल डेज में ऐसी एन जी ओ की तरफ ध्यान भी दिया नहीं जाता. क्या कहेंगे आप उनके बारे में, खासकर महिलाओं के बारे में? एक्चुअली जैसे पारुल मैडम अभी बता रही थी, ये फेयर के बाद में पूरी पूरा साल के लिए भी उनको बहुत बहुत सारे ऑर्डर मिलते हैं, तो उनको प्लेटफॉर्म तो मिल रहा है. और क्या कहेंगे आप, स्कूल में शहर के अंदर इस तरह के प्रदर्शन बढ़ते रहते हैं, हर साल बढ़ते जा रहे हैं और इस हाँ पहले 35 कुछ थे और अभी 200 से ज़्यादा बढ़कर हैं. तो इट्स ग्रोइंग, इट्स डूइंग वेरी वेल एंड फैंटास्टिक. ओके, थैंक यू. थैंक यू. एक दो मिनट. हाँ, वेलकम टू 10th येलो रिबिन एनजीओ फेयर, जहाँ पे मोर देन 100 एनजीओस पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और ये एक एग्जिबिशन है जहाँ पे गिल्ट फ्री हम शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब शॉपिंग करते हैं तो हम किसी को हेल्प कर रहे हैं. और बहुत सारे कॉज है जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट, एनवायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रेन. एंड सो इट्स बीन प्लेटफॉर्म सबको मिल रहा है और पूना के सब टू एवरीवन आई विल रिक्वेस्ट कि आप जरूर आए और ये एग्जीबिशन में आके शॉपिंग कीजिए. मैम, जिस तरह से प्रतिसाद मिलना चाहिए एनजीओ को साल भर के अंदर, उस तरीके से मिलता हुआ दिखता नहीं है अक्सर, क्योंकि इस तरह के प्रदर्शन में उनको जिस तरह उनको महत्व दिया जाता है, बाकी नॉर्मल डे में उनको महत्व दिया नहीं जाता. आप इसके लिए किस तरह से काम करने का सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं इसको? हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमें बहुत 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 मेहनत करनी पड़ती है. पीपल आर नॉट, उन लोग को लगता है कि जब एनजीओस में से हम शॉपिंग करते हैं तो प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते हैं, फिर हम लोग क्यों बाय करें. लेकिन हम बहुत उनको ट्रेनिंग देते हैं और ऐसे एनजीओ को लाते हैं कि जिनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं. तो व्हेन आई एम बाइंग द प्रोडक्ट, मुझे लगता है कि मैं हेल्प तो कर रही हूँ लेकिन मुझे कुछ यूनिक मिल रहा है. और सो आई फील हैप्पी कि मुझे जो पूना मार्केट में नहीं मिलेगा वो यहाँ पे मिल रहा है. और सो मैं हेल्प भी कर रही हूँ, सपोर्ट भी कर रही हूँ. कितना प्रदर्शन और किस तरीके से आपको एनजीओस का प्रतिसाद मिलता जा रहा है? तो जैसे मैंने पहले बताया, हमने 35 एनजीओ से शुरू किया था, तब हमें बहुत उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी कि आप प्लीज़ आके ये फेयर में पार्ट लीजिए. और अभी 10th ईयर है तो हमें मोर देन 100 एनजीओ तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन 200 का लिस्ट है, अभी वेटिंग लिस्ट हो रहा है. तो यू कैन अंडरस्टैंड. थैंक यू. अमोल उदमले सह हर्षल कोठावदे, सी 24 तास, पुणे.